करने के लिए समय निकालना पड़े। हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्राम और आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। आज हमारे सामने एक गाड़ी खुला हुआ है जो कि जुपिटर 125 है। इसके फ्यूल टैंक के बारे में बहुत सारा रिव्यूज़ है, आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट लोगों का बहुत सारा रिव्यूज़ है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इसका फ्यूल टैंक का सच्चाई क्या है, मेटल का है, फाइबर का है, कितना मजबूत है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, वो सारे चीज़ आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये है आपका फ्यूल टैंक जुपिटर 125 का, जो कि एकदम सॉलिड मेटल का है और सब तरफ से पूरा घिरा हुआ है। फ्यूल टैंक कितना भी एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, फ्यूल टैंक कुछ नहीं होने वाला है। इधर आप देखिए, इधर चेचिस, इधर साइड से आप देखिए, यह चेचिस का एकदम बाउंड्री वॉल किया हुआ है, फ्यूल टैंक बीच में है आपका। यहाँ भी चेचिस है, ये चेचिस है, ये भी चेचिस है, इधर सब तरफ से, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया हुआ है और बीच में आपका फ्यूल टैंक है, वो भी मेटल का है। फाइबर का होता तो कुछ और बात था, लेकिन ये भी मेटल का है इसलिए बहुत मजबूत है। और फ्यूल टैंक का दाम भी बहुत कम दिखा रहा है सिस्टम, अभी मैंने चेक किया दिखा रहा 350 रुपया, लेकिन आप लोग सस्ता मत समझिए। अगर ये चीज़ ख़राब होता है तो यही चीज़ मेन है आजकल V6 गाड़ी में, यही चीज़ मेन है आजकल। और इसका दाम है आपका, ये है फ्यूल पंप मॉड्यूल, फ्यूल पंप असेंबली जिसको बोलते हैं, यही मेन चीज़ है, यही है फ्यूल टंकी से आपके इंजन में पंप करता ऑयल को, यही है, जो कि 5000 रुपये का है, ठीक, जो कि बहुत महंगा है। और ये आपका है इनलेट, इनलेट असेंबली जो कि 400 रुपये का है। इस प्रकार है, अब फ्यूल टंकी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 125 गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, लेकिन आपका रिव्यूज़ बहुत सारे लोगों ने दिया है कि फ्यूल टंकी सेफ है कि नहीं है, तो अगर आपको भी लगता था कि फ्यूल टैंक सेफ नहीं है तो आप आग बंद करके गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूल टैंक एकदम सेफ है, ठीक है। ये आपका 125 है। चूँकि ये गाड़ी एक्सीडेंट रिपेयर में आई है कुछ दिन पहले, तो इसको हमने खोला था, तो मैं सोचा कि ये चीज़ भी बता दूँ मैं। फ्यूल टैंक से पहले आपको इसके बारे में सोच लेना चाहिए, यह है कंट्रोलर ISG, जो कि ये बगल में बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने में भी हेल्प करता है, पूरे गाड़ी का लाइट और पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है, जो कि एक इससे पहले और एक गाड़ी आया था एक्सीडेंट में, उसका ये टूट गया था, ये भी 5000 रुपये का है। फ्यूल टंकी से पहले इसके बारे में आपको सोच लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूल टैंक सेफ है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।